थैंक यू। माइकी गले लग जाओ, शाहरुख खान है, चांस नहीं मिलेगा बाद में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ आप भी छोड़ के जा रही है मुझे? डोंट गो, दिस इज द रिएक्शन दैट आई एम गेटिंग एवरीवेयर। स्ट्रेंज है कि आप सब, हम सब यहाँ पर आते हैं बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना बन के जाते हैं। इसीलिए हमने एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, बेस्ट ऑडियंस अवार्ड। प्लीज वेलकम रितेश देशमुख। भाव भाव कैसा लगा भाव? या भाव, तो पहला अवार्ड है, मैं यहां क्या कर रहा हूं। और यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, लेकिन इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ही को चुना गया है, श्री रमेश तौरानी जी। प्लीज आइए, आइए ना। सर आपको अवार्ड मिल रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण अवार्ड है, आपको कैसा लग रहा है? दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड अवार्ड, यू नो। ये बताओ कि किस लिए दे रहे हैं अवार्ड? अरे सर वही ना, कि वो ये कि यहाँ पर ऑडियंस के अवार्ड दे रहे हैं, और ऑडियंस का ये अवार्ड है कि मैं यहाँ पर बड़ी क्या कर रहा हूँ। ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड का अवार्ड है, फ्रेटर्निटी का अवार्ड है। अरे सब प्रोड्यूसरों को आना है यहाँ। रमेश जी आप नहीं समझोगे यार, बट रमेश जी इज वन ऑफ द मोस्ट, सर मुझे मेरा हक दे दो, मोस्ट लवेबल पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री। हक रमेश जी, अरे अवार्ड कहाँ है? अवार्ड का अवार्ड लेके गई, ओ माइकी अवार्ड तो दो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड है, ये कर सकती हूँ। यस इसको आप ही रखो, सर ये आपके लिए। दूसरा अवार्ड, हाँ दूसरा अवार्ड है बेस्ट रियल स्माइल अवार्ड। बेस्ट रियल स्माइल, अरे यार इनको वापस से बुलाओ। रवि जी, अरे आपको क्या लगता है किसे दिया जाना चाहिए बेस्ट रियल स्माइल अवार्ड? मैं तो बोल रहा हूँ, बुला सकते हैं मुस्तान भाई को, लेकिन वो आएंगे तो पूरे सात भाई आ जाएंगे। दिल से, दिल से देखो 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 देखो, चलो यार स्माइल तो दे रही है दिव्या, आ जाओ दिव्या, आइए खुश खौसला। दिव्या जी को ये दिया जाता है इनकी द बेस्ट, ये होलो 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 मैडम, ये स्माइल ये अवार्ड के लिए दे रही हो या पिक्चर बड़ी हिट हो गई इसलिए? आ जाओ डेब्यूटेंट डायरेक्टर, कंग्रेचुलेशंस, इतनी बड़ी हिट हो गई आपकी पिक्चर और ये अवार्ड लेके जा रही हो, ये आपके लिए अवार्ड ले, हम ही रखें, चलो। Can I go? हाँ एक फाइनल अवार्ड है, मेरा नंबर कब आएगा अवार्ड? मेरा नंबर कब आएगा? वो होता ना कि हर बार सोचते हैं मेरा नंबर कब आएगा, इसको भी मिल गया उसको भी मिल गया, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा? ऑडियंस चॉइस से ये अवार्ड जाता है सलमान का। थैंक यू, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, और स्पेशली ये जो अवार्ड जो अभी दिव्या ने और रमेश जी ने रिफ्यूज़ की, एंड आई एम
honored, I'm privileged, or I thank my whole family, and I'm... This is to all you guys. Thank you. अक्सर कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ये जो स्टार गिल्ड वाले इंसान हैं, इन्होंने पिछले साल एक गलती की थी। मुझे बुलाया गया होस्ट करने के लिए, और इन्होंने काफी कुछ सीखा। और ये लालच भी बहुत बुरी चीज होती है। इनको लालच लग गई। And that is the reason why they've called me for this hosting. Ramesh ji, अब जब मुझे देखते हो, मैं अपना भूल जाता हूँ डायलॉग। Hi Shahrukh, how are you doing? How's it going? All good? Your film was a big hit. Congratulations. अब ये जो हुआ है, ये इसके तीन वर्जन आपको देखने के लिए मिलेंगे टीवी पर। तो ये बेसिकली ये ऐसा आएगा कि मैंने हाय शाहरुख और शाहरुख का एक्सप्रेशन आएगा शाहरुख लवली। दूसरा आएगा हाय शाहरुख एंड शाहरुख विल बी बैक एंड ही सेड बेस्ट ऑफ लक फॉर जय हो, आई होप इट ब्रेक्स द रिकॉर्ड्स ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस एंड what is Doom 3 and I'll say thank you man, thank you, appreciate it. ये आएगा और फिर जो तीसरा आएगा वो हम जो रियलिटी है कि तनिषा जी आप बैठी होंगी और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज द हकीकत। तो बेसिकली कि हम जो करते हैं वो कभी कभी टीवी के लिए करते हैं, और फिर ये जो टीवी वाले जो हैं वो किधर का भी क्लोज उठाकर किधर भी डाल देते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप कब हंस रहे हैं, कितना हंस रहे हैं और कब यॉन कर रहे हैं। तो थैंक यू, बहुत यहाँ पर लोग आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो यहां पर हम आए हैं 2013 में हुए हुए बेहतरीन काम को अप्रिशिएट करने के लिए और अवार्ड देने के लिए। लेकिन आई वुड से कि ये क्या साल था, बकवास, ना स्टोरी ना म्यूजिक ना एक्टिंग ना डायरेक्शन, there was nothing in this year. मतलब मेरे लिए क्योंकि मेरी फिल्म ईद पर रिलीज होने वाली थी, नहीं हुई, तो फॉर मी दिस ईयर वॉज अ बकवास ईयर। लेकिन आप लोगों ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही कामयाब फिल्में बनाई हैं इस साल, तो आप सब लोगों के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जैकलीन कांग्रेचुलेशंस। ये बात करके दिखाओ ना, लत लग गई। जी हां, शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस ब्लॉकबस्टर, फरहान अख्तर, वाह यार फरहान कहां बैठे हो, फरहान को साइकिलिंग मैंने सिखाई थी बचपने में और आज वो हमको भगा रहा है। और आमिर तुम मचा ले, वाह यार इट्स चीटिंग है, आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। एक आमिर खान 200 करोड़ करता है, इन्होंने दो दो डाल दिए 400 करोड़ करने के लिए। हाय दीपिका, यू नो आपके बारे में ये कहा जा रहा है आजकल कि अगर आपको किसी ने डॉक्यूमेंट्री में भी कास्ट कर लिया तो आप 200 करोड़ का बिजनेस कमा के देंगे। कम बोला, कमाल है यार, वाह। लर्निंग फ्रॉम यू। वो जो पिछले अवार्ड फंक्शन के अंदर आपने एक वो किसी और का रिएक्शन मेरे पे डाला गया था, ये मेरे लिए ही था वो रिएक्शन, ऐसा तो नहीं कि शाहरुख साहब स्टेज पर आए और आपने उनके लिए और फिर उन्होंने उसका आधा जहाँ पे एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम था वो उठा के मेरे परफॉर्मेंस पे डाला गया, वैसी था। चलिए यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं मिली तो हम पेश करने जा रहे हैं शाहरुख, क्या हो रहा है, ठीक है, कांग्रेचुलेशन चेन्नई एक्सप्रेस सुपर हिट हो गई,
और एक यहाँ पर स्किट कर लिया था पहले ही कि एक एम्प्टी चेयर से बात कर ली और रिएक्शन से भी मिल गए एम्प्टी चेयर के. अब आप भी रिएक्शन दे दो, दो टाइप के देना, एक इग्नोर करते हुए देना ताकि टीवी वाले खुश हो जाए, वैसे ही लेफ्ट राइट ओके और करेक्ट बहुत अच्छे. और दूसरा वाला ये है कि पीछे रह जाओगे, इसलिए आपकी तारीफ कर ली है इस फिल्म की और कलेक्शंस की, तो जय हो के लिए भी बोलो एंड टू वॉच. इसे क्या बोलते हैं, जय हो. हैंडसम सलमान खान. थैंक यू थैंक यू. आप डायलॉग का वर्ड देने आए हैं तो नहीं, मैं डायलॉग कुछ बोलेंगी? हाँ बोलूंगी. बोलिए ना. ये जिस्म प्यार नहीं जानता, जानता है तो भूख, सिर्फ जिस्म की भूख. ये याद था अभी, मेमोरी खराब है. जिस्म से याद आ गया. बड़ी फिट लग रही है. आपके जो फिटनेस वीडियो है, एक और लॉन्च कर दिया मैंने. किसने लॉन्च किया? नहीं खुद मैंने. तो आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. लेकिन बट इट्स सो फनी सलमान, आई गेट टू सी यू ऑन माय लॉन्च डे अगेन. तो नॉमिनेशन दिखा देते हैं जी, और मैं आपको जब तक देखते रहता हूँ. सोनाक्षी डोंट गेट जेलस. कुछ स्टेप दिखाएंगे फिटनेस वीडियो का? अरे शिल्पा शेट्टी पुशअप्स कर लेती है साड़ी के अंदर. तब मेरे डीवीडी में जो स्टेप्स है ना, वो सब स्क्वाट्स है और देयर इज अ एक्सरसाइज कॉल्ड फ्रॉग लीप. हां वो कैसे होगा साड़ी के अंदर? वो ऐसे साड़ी में कैसे करूं? ट्राई तो कर लो. जस्ट इमेजिन इफ माय लाइक माय मदर वांट्स टू डू योर फिटनेस वीडियो. माय मदर डज नॉट वेयर टाइट दोस. नो सलमान टी कांट. नो आई शील हैव टू डू इन साड़ी ओनली ना. ये इसमें सलमान बहुत टफ है, आपको तो पता है. स्क्वाट करो और कूदी मारो. अच्छा ये करते करते नीचे जाके दिखाओ मुझे. मैं जा रही हूँ. थैंक यू.